हेलो दोस्तों, तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन है और सजेशन भी है। इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, सजेशन आप उनसे ले लीजिए जो खुद RBI ग्रेड बी में सिलेक्टेड है। हालांकि जो मैंने रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि मेरा फर्स्ट चांस है किसी के साथ रिकॉर्डिंग का, तो ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है, खिचिच की आवाज़ है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वो जो सजेशन उन्होंने दिए हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे अगर वाकई में आप RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो। क्योंकि बहुत सिंसियरिटी के साथ उन्होंने सिंपल से अपनी बात बोल दी है कि आपको क्या करना चाहिए। RBI ग्रेड बी 2022 का नोटिफिकेशन RBI ग्रेड बी 2022 में होना है, ये तो डेफिनेट है। होना कब है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में। कब आएगा? जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा। सितंबर में इसका फेज़ वन है RBI ग्रेड बी का। कब है? सितंबर। सितंबर में इसका फेज़ वन है, टीयर वन, और उसके बाद नवंबर में फेज़ टू होगा। ये है RBI ग्रेड बी की इन्फॉर्मेशन। देखिए, आप ये मत सोचेगा इतनी जल्दी, क्योंकि RBI असिस्टेंट का पहले होगा, फिर RBI ग्रेड बी का होगा। RBI ग्रेड बी जो 2021 में हुआ था उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तीन चार सैलरी भी आ चुकी है बंदों की। उन्हीं में से एक है हमारे आयुष जी। आयुष जी ने नाबार्ड ग्रेड ए का कोर्स लिया था, ESI ARD उन्होंने यहाँ से कवर की है, मैं जानता हूँ। हालांकि फिनांस एंड अकाउंट्स के लिए उन्होंने अलग माध्यम अपनाए जो मुझे पता है, लेकिन बहुत ही हम्बल पर्सन है, आप देखिएगा अभी बात करिएगा। और उसके बाद उन्होंने मुझसे डायरेक्टली ये भी कहा था कि सर, कोई भी बच्चा कुछ पूछे, स्टूडेंट पूछे, या तो आप बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कभी भी। तो अगर आपको कुछ और जानना है RBI ग्रेड बी के विषय में, तो आप अपने क्वेश्चन रेडी रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उनको कलेक्ट कर लूँगा और कभी एक दूसरा इंटरव्यू ले लेंगे इनके साथ। इन्फॉर्मेशन यही है कि आपका RBI ग्रेड बी का नोटिफिकेशन कब आएगा? जुलाई में आएगा, और सितंबर में या फिर अगस्त लास्ट में इसका टीयर वन हो जाएगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको ये आयुष जी खुद ही बताएंगे, तो आप उनसे सुन लीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, आप मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि ढंग से अभी भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया रिकॉर्डिंग का। तो देखते हैं आयुष जी क्या कर। हाय आयुष। हाय। हेलो। हेलो सर। हेलो सर, तो कैसे हो भाई? सब सही। अच्छा, आप तो अच्छे ही हो गए, अब कहाँ खराब हो आप? हाँ, बिल्कुल नहीं खराब हो। अब तो क्या ही है सर, कैसा लग रहा है? सब यही पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है। अभी तो ठीक है, थोड़ा कभी कभार लगता है कि हाँ कुछ कर दिया है, वैसे नॉर्मल में ऑर्डिनरी भी फील होता। चलो, मैं तो जानते ही हूँ तुम्हें, खैर पिछले एक साल से कर दिया हूँ, लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं पता। NIT कुरुक्षेत्र से तुमने किया था ना पास आउट? हाँ सर, 2019। क्या कौन सी ब्रांच थी तुम्हारी? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो फिर जॉब छोड़ दी उसके बाद प्रिपरेशन? हाँ, जॉब मैंने की थी, फिर लेट में छोड़ी है, उसके बाद प्रिपरेशन। और पिछले एक साल से हम लोग टच में हैं मेरे ख्याल से, और जब से नाबार्ड नाबार्ड का स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ, नाबार्ड से सर। तो कैसा रहा पिछले एक साल तुम्हारा? बहुत अजीब अवकाश रहा वाला। मैंने जब मतलब जॉब लीव करा था, तो मैंने यही सोचा था जो हर आदमी को है कि पहली बार मैं छोड़ दूंगा नाबार्ड, तो मतलब इतना ज्यादा दिन मेरे को जॉबलेस रहना नहीं पड़ेगा। पर जब हुआ नहीं मतलब मेंस में, तो फिर थोड़ा सा लगा था कि हाँ अब क्या करें, क्योंकि RBI के तो उस टाइम इंटरव्यू से नहीं हो पाए थे, तो नोटिफिकेशन तो दूर था। तो वही सर, उसके बाद तो मतलब आप समझो जब एक बार RBI आया, उसके बाद तो टाइम कैसा निकल गया पता ही नहीं चला। फिर RBI के बाद भी एक टाइम ऐसा नहीं लग रहा था कि अब क्या करेंगे, अभी कुछ कोविड का सिचुएशन आ गया था। हाँ भाई, मेरे को लगा कि यार ये काफी ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, और मतलब मैंने सोचा था कि मैं एक साल का ब्रेक लूंगा, और एक साल के बाद अगर मेरा नहीं हो पाया तो मैं जॉब में रिटर्न कर जाऊंगा। तो वो पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी कि यार अगर एक साल में भी रिलीज नहीं हुआ, मई या जून में नोटिफिकेशन आया, तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं भाई आपसे पूछ भी रहा था कि सर क्या सोच रहे हो, मैं ज्वाइन कर लूँ क्या पहले? और एक बात देखो, मैं जैसा तुम्हें भी पता है कि कभी इंटरव्यू लेने में वैसे मतलब कभी कुछ ऐसा नहीं रहता, हम लोग फोन पे बात कर ही लेते हैं, लेकिन आपने खूब छत के मैसेज किए हम लोगों ने, ठीक है। और ये थोड़ा सा, और मैं स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी इंटरव्यू देखने में अपना टाइम वेस्ट करें, लेकिन अब जब उनको सुनना ही पसंद है, देखना ही पसंद है, अगर तुम क्या कहना चाहो ये बताओ, मैं के लिए बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर मेरा तो देखो, क्योंकि मैंने UPSC वगैरह की तैयारी किया नहीं आज तक, और जितने भी मैक्सिमम आई थिंक 80-90% बच्चे जो RBI में जाते हैं उनका UPSC बैकग्राउंड रहता ही है, तो UPSC का मेरे को नहीं पता
क्या से चालू करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है, उसको कहते हैं कि हाँ किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लो फिर उसको फॉलो करो, पर आई डोंट थिंक कि आरबीआई के लिए ये बहुत ज्यादा वैलिड है कि आप टॉपर से इंटरव्यू देखो और कुछ करो। और मतलब आगे के डिस्कशन में मैं बता भी दूंगा कि मैंने कोई देखा नहीं ना, मैंने दूर दूर तक किसी टॉपर को जानता था, मेरी जो भी तैयारी है सोनली मेरी और थोड़ी बहुत जो आपका मतलब जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अरे एक बात तो थी, खैर मैंने देखा तुम, अच्छा एक चीज बताना, जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों को कि भाई अगर आप आरबीआई गेट भी देने जा रहे हैं या फिर नापास देने जा रहे हैं, कुछ भी देने जा रहे हैं, मैं बच्चों से कई बार बोलता हूँ कि भाई डेली करंट अफेयर्स देखो, क्या ये ठीक है डेली करंट अफेयर्स? सर देखो, मैंने तो मतलब डेली करंट अफेयर्स आपके देखे हैं और उससे नोट्स बनाए। अब काफी लोग ऐसे नोट होते हैं जो नोट्स के कहते विषय में हैं, पूछूंगा। नोट्स तो भाई मैं इस बार जैसे मैंने फेज वन से पहले आरबीआई गेट डी का रिजल्ट नहीं आया था, याद है हम लोगों का डिस्कस हो रहा था, हाँ, सर तो तुमने पूछा फोन से कि क्या करना चाहिए, तो तुमने खुद ही बता दिया कि सर जून से कर रहा हूँ, जून से करंट अफेयर्स देख लेता हूँ और वो मंथली वाला पीडीएफ आपको पढ़ लूंगा। तो मेरे ख्याल से फेज वन फेज टू दोनों के लिए डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट ही होंगे मेरे ख्याल से। अरे सर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी देख रहे हो तो मैं तो वही बताऊंगा जो मेरे को लगा, मेरे को तो यही लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो इनफैक्ट जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं ढेर सारे एग्जाम अफेयर क्लाउड और दुनिया भर की, कुछ भी मैंने एक चीज हाथ नहीं लगाई, मेरे को पता है कि इनके करंट अफेयर आते हैं। जो ओनली थिंग मैंने जीए और ईएसआई के लिए रिलाई किया था वो था आपके वीडियो, अच्छा करंट अफेयर डेली और पीआईबी। एक बात और है आयुष, देखो कम से कम 200 घंटे हम लोगों ने बात की हुई फोन पे। अच्छा हाँ, सर भले ही मैं मेरा एक ये रहता, जैसे मैंने पोस्ट लॉन्च कर दिया उस समय मैंने तुमसे डिस्कस किया था, तुमने ही मेरे को सजेस्ट किया कि सर आप वेबसाइट बनाओ ऐप के चक्कर में, क्योंकि हाँ बिल्कुल, वेबसाइट थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, ऐप इतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, तुमने ही बोला मेरे से। और दूसरी बात ये भी मैंने नोटिस की कि जैसे मैं पढ़ाने की कोई वीडियो बनाता हूँ उसको देखने नहीं, आज मैं तुम्हारा ये इंटरव्यू रिलीज करूंगा, मुझे पता है कि उस पर भारतीय लोग देखने वाले हैं और उसके लिए तो खास डिमांड आई है भाई सारे स्टूडेंट से। और हाँ देखो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहता हूँ, जो जिसने कॉल किया, मैसेज किया, बात की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ किया, और तुमने फेलियर को भी फेस किया पिछले साल, मुझे याद है जब फेस तो नहीं हुआ था उसके बाद क्या कंडीशन थी, और ये आरबीआई तुम्हारा पहला टेंशन मेरे हिसाब से पहली बार कौन हाँ था पहला है सर। हाँ आरबीआई गेट बी का एग्जाम और पहला अटेम्प्ट है नाबार्ड फेज टू ना निकलने के बाद, तो हाँ सर तुम कह रहे थे कि अगर ये नहीं निकला तो मैं जॉब पे चला जाऊंगा, मुझे याद है। हाँ, तो मैंने इतने कहा था चलो आरबीआई गेट भी कर दे दीजिए, और जो तुम दे रहे थे उस समय उसका मैंने ये भी कहा था कि नाबार्ड गेट एक अभी दे लेना, उसके बाद तुम जाना जहां भी जाना हो। ये कहा था आपने कि ग्रेड ए का आ जाएगा उसमें एक बार दे लो, उसके बाद जहाँ जाना है चल जाना। तो ये कब तक इसका कुछ पता चला कि अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह कब तक आई, क्या कब से ज्वाइनिंग कुछ पता है? सर वो तो आ गया मेरे को, एक जो रिकमेंडेशन लेटर होता है कि आरबीआई सर्विसेज बोर्ड ने आपको रिकमेंड किया आरबीआई के लिए, तो दो चार उसमें अभी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह भरने पड़ेंगे, लेकिन वो तब होगा जब एक बार इंटरव्यू मार्क्स आ जाए। ये मार्क्स वगैरह कब तक आएंगे मेरे साथ? मुझे देखो कुछ आइडिया इतना खास है नहीं आरबीआई गेट बी का, बस मुझे अपना ईएसआई एआरडी और जनरल अवेयरनेस का ही आइडिया रहता है, और तुम्हें पता ही है यार। जहां तक मतलब डिस्कशन चल रहे हैं ग्रुप पे उसमें है कि 26 तारीख 14 दिन में आ जाते हैं, तो 26 तारीख के हिसाब आ जाना चाहिए, 26-25 तक। और आरबीआई का काफी डिले हो गया तो वो जल्दी ही करेगा मेरे ख्याल से। सुनने में तो यही आ रहा है कि शायद अक्टूबर एंड तक की डेडलाइन है, और एक्सटेंड भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसे वैलिड खबर नहीं है सर। पूरे 1 साल मेहनत की राइस तुमने, मुझे याद है। हाँ अब डेली करंट अफेयर्स की बात छोड़ो, अब इनको समझाओ जो बच्चे तुम्हारी वीडियो देखे भाई, उनको समझाओ कि नोट बनाने चाहिए, बोलो तुम्हारी फ्री। हाँ बोलो। अरे मैं यही कहूंगा कि देखो मैं किसी को ऐसे इंटरव्यू दे नहीं रहा, वो तो आप लोग के चक्कर में अमित सर ने रिक्वेस्ट किया तो आप ही लोग के लिए दे रहा, तो अगर आप मेरे को सुन रहे हो और अगर मेरे को ही सुनना है सीरियसली लेना है तो हाँ नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और मैंने जितनी भी अपनी तैयारी की है मैंने कोई भी पीडीएफ करंट अफेयर्स के लिए नहीं, सारे के सारे जो एग्जाम मतलब सारे के वीडियोस होते हैं डेली करंट अफेयर्स के उनके नोट्स के लिए ही उनसे सारे नोट्स बनाए हैं मैंने। इनफैक्ट आप सर से पूछो इनके वीडियोस अगर 4-5-6 दिन से छूट भी जाते थे तो मैं पीछे पड़ जाता था इनके कि सर आप मेरा लुटिया डुआ मेरे को लग रहा है अपने अरे अपने वीडियोस मुझे बनाए। याद है लास्ट टाइम नाबार्ड फेस टू के टाइम तुमने हाँ उसकी पीडीएफ भी मुझसे वाला सर पीडीएफ का कमाल से वीडियो ले लो अभी, तो
इस बार भी तुमने यही कहा कि सर वो जो आपका पेंडिंग है वो पूरा हो जाएगा, नहीं पूरा हो जाए नहीं तो सर आप दबाव मेरे नहीं है, तो इतना जरूरी मैं समझता हूँ खुद के लिए। अच्छा, एक बार तो मेरे को गुस्सा भी हुए थे मेरे ख्याल से, ये पता नहीं पूरा करवाएंगे जी, फिर तुमने कहा अरे हाँ करवा दी। अरे सर इतना लेट लग रहा था, वो 21 तारीख को परीक्षा था, आपने कहा था 21 अगस्त फिर 10 सितंबर हो गया था डेडलाइन। उस समय सब लोग परेशान हो गए थे कि वो ऐसा फेज चला था नाबार्ड के टाइम कि सब डिले ही होता जा रहा था। हाँ सर, और इस बार भी ऐसा हुआ पता है, जब मैंने ESI ARD की वीडियो अपलोड कर दी कोटी के आसपास और ये डिले हो गया, तो स्टूडेंट कह रहे हैं सर वो देखने रिलेवेंट है कि नहीं देखने रिलेवेंट। हाँ सर, आप एक बात ये भी सोचो कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो स्टैटिक ही कवर करता हूँ, तो कोई भी वीडियो अनरिलेवेंट हो ही नहीं सकती। अभी मैं बताता हूँ कि नाबार्ड का जो फेज वन हुआ है उसमें एक कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किसे ने टॉप किया है, और ये सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। हाँ, और देखो आयुष तुमने नाबार्ड का दिया है, ECGC का दिया है, IB का भी दिया तुम्हारा, और मेरे ख्याल से वो ICG ID और वो ECG तीनों निकलने वाले, ठीक है। हाँ, मैं, हाँ। अभी तुमने नाबार्ड फेज वन फेज टू दिया, अब तुम खुद ही बोलो कि करंट अफेयर्स का कितना इम्पोर्टेंस है इन एग्जाम के लिए। मैं नहीं बोलूंगा, ये तुम बोलो, ये लोग सर मैं कह रहा कि वो जो DA वाला पोर्शन है वो तो पूरा करंट अफेयर्स का है, प्लस जो ESI है वो मतलब स्टैटिक तो किसी भी एग्जाम में, मेरे को लगता है जो ये RBI और सेबी सॉरी RBI और नाबार्ड का एग्जाम है, स्टैटिक के मुश्किल से एक दो क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारा का सारा करंट अफेयर्स का ही रहता है ESI का सवाल। सेम बोल रहे ARD ऑल्सो कि जो भी एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आएगा, तो बहुत ही ज्यादा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। अब सुनना है तो सुनो, नहीं तो यार जो तुम्हें करना है वही करोगे, लेकिन हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि इनफैक्ट सोचो मेरा रिजल्ट आने वाला था, लेकिन तभी मैंने जून से लेकर और अब तक के नोट्स बना रखे हैं, दो महीने मैंने 4-5 दिन में नोट्स बनाए सारे के सारे जून जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स के। RBI JD का रिजल्ट निकलने से पहले तुमने कॉल किया था पहले कि सर वो तक, तो मैंने तुमसे बोला जून से कर लेना और मंथली तो जुलाई जनवरी से दे ही रहा हूँ। हाँ वो देखने का, तो वही देख लेना, और बाकी तो इतना नॉलेज रहता है बजट वगैरह। और कुछ नाबार्ड फेज वन का एग्जाम हो गया, ठीक है। देखो मेरे पास इतने स्टूडेंट्स तो नहीं होते, अप्रॉक्स 100 है जो चैटिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, और कोई इतना फेमस तो हो नहीं यार, बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत कम वीडियो से व्यू भी आते हैं। अगर एग्जाम ना है ना नाबार्ड का, तो मेरे पे भी जो है 1000 व्यू भी नहीं आएंगे चैनल, क्योंकि वो डेली करंट अफेयर डालते तो कोई देखता नहीं है, जब वो एग्जाम प्रेशर आता है ना तभी वो देखने आते हैं। अभी जब फेज वन का एग्जाम हुआ तो भाई सारे चैनल में डाला मैंने, वहीं से क्वेश्चन देखे, कुछ स्टूडेंट बताए, ठीक है, तो मैंने देखा 85 के आसपास करंट अफेयर से कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब ARD स्टैटिक में जैसे ये पूछा भाई कि जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्शन है वो लास्ट में फेज टू में जो पूछा था, याद है आपको, एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर में पूछ लिया 28% वो फेज टू में पिछले साल पूछा था, इस बार फेज वन में पूछ लिया। वो करंट का क्वेश्चन है, लोग पता नहीं क्यों स्टैटिक में उसको कॉप कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब क्या कह सकता हूँ, जस्टिफिकेशन तो देते रह जाओगे किस चीज का। तो ये थे आयुष जी, आप लोगों ने सुन लिया उन्होंने क्या कहा, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही। स्ट्रेटजी मतलब कुछ ब्रॉड नहीं उन्होंने बताया, क्योंकि इतना ब्रॉड बताने वाला होता नहीं, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। और मेरा कभी नहीं ये मान रहा है कि आप इंटरव्यू पे फोकस करें और सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि अपना एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है एक इंसान की, ठीक है, उसी के हिसाब से वो किसी एग्जाम को क्रैक करता है। सबका रूटीन सब पे अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। आयुष जी ने बहुत मेहनत की, पिछले एक साल से लगातार उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की, जब मेरी डेली करंट अफेयर्स डिले हो जाती थी। तो आप लोगों में से मुझे कोई नहीं मैसेज करता ना ही कमेंट करता, अगर मैं गलती कर देता हूँ वीडियो में तो कमेंट तुरंत आ जाते हैं, लेकिन दो दो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके लिए एक या दो ही लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता है वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन चलिए, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो अपलोड करूँगा ही। खैर, आज नाबार्ड गेट ए की फेज टू के लिए स्ट्रेटजी बनानी है, और मैं चाहता हूँ आप सभी का निकले, तो शाम को ही डिस्कस करेंगे नाबार्ड गेट B के विषय में। और बाकी अगर आपको आयुष जी से कुछ पूछना है तो अपने क्वेश्चन डाल दीजिएगा, जब मैं नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू लूँगा क्लियर तब मैं उनसे बात कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय एंड